नमस्कार दोस्तों, हैप्पी कुकिंग विद नेहा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट गार्लिक ब्रेड। खाना बहुत ही आसान होता है, ये बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को भी इवन ये बहुत पसंद होती है। तो देखिए मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए 1 टेबल स्पून ग्रेटेड गार्लिक, 1 टेबल स्पून अमूल चीज़ क्यूब, 4 टेबल स्पून बटर एट रूम टेम्परेचर, 1/4 टी स्पून ऑरिगेनो, 1/4 टी स्पून चिली फ्लेक्स, 8 ब्रेड स्लाइसेस, फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमें इसके लिए। अब हम बटर वाला बाउल लेंगे, उसके अंदर हमारा ग्रेटेड गार्लिक ऐड करेंगे, उसके बाद चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और चीज़ ऐड करेंगे। हमें इसमें सॉल्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चीज़ और बटर में ऑलरेडी सॉल्ट है। हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। हमारा बटर एकदम रेडी है। अब हम अपनी ब्रेड स्लाइस पे ये गार्लिक बटर अप्लाई करेंगे। इसको हमें इवनली पूरी ब्रेड पर अप्लाई करना है और एक थिक लेयर अप्लाई करनी है हमें इसकी, जिससे हमें इसका अच्छा फ्लेवर मिले। मैंने नॉनस्टिक पैन में अपनी गार्लिक ब्रेड रख दी है और जो बटर लगाया है मैंने गार्लिक, वो ऊपर की साइड है। अब इसे हम एक प्लेट से कवर कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। आप अगर चाहें तो नीचे की साइड भी प्लेन बटर लगा सकते हैं। मैं 5-7 मिनट बाद चेक करूंगी। ये देखिए कुक हो चुकी है। अब मैं इसको अपने स्पैचुला से चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लूंगी। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, ये एकदम कुक हो चुकी है और एकदम क्रिस्प हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसका बैक साइड देखिए कितनी क्रिस्प हो चुकी है। अब इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। हमारी इंस्टेंट गार्लिक ब्रेड एकदम रेडी है। अपने गेस्ट को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, इसका मजा लीजिए, कैचअप के साथ इसे खाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए।